किसी का बच्चों को माना जाता है और टीका लगाने वाला कोई डॉक्टर नहीं, एक बाबा होता है जो बच्चों के हाथ के आर पार कर देता है कृष्ण। ये बेरहमी देखिए, हरदोई के सिहोना गांव का एक शख्स पहुंचा हुआ बाबा बन बैठा है और तपती भट्टी से त्रिशूल निकाल निकाल कर बच्चों की नाजुक चमड़ी को छेलता जा रहा है, लेकिन बाबा के ढोंग के आगे नतमस्तक है लोग, एक एक करके अपने बच्चे को आगे करते जा रहे हैं। और ये तो अपने नवजात को ही लेकर पहुंच गए अंधविश्वास का टीका लगवाने। उत्तर प्रदेश के हरदोई में हर साल एक दिन ऐसा आता है जब कमलेश कुमार गुरु महाराज बन बैठता है और उसके इशारे पर नाचते हैं अंधविश्वास में पागल लोग। कमलेश आग में दबाकर इस त्रिशूल को लाल कर देता है और भक्त खुशी खुशी उसे मुंह में डाल लेते हैं इस उम्मीद में कि अब बजरंग बली और काली माँ उन्हें कभी बीमार नहीं होने देंगे। ऐसा करने के लिए त्रिशूल वाले बाबा के पास कई मनगढ़ंत दावे भी हैं। स्वास्थ्य ठीक रहता है, कोई किसी प्रकार की अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई। इतने दिन करके 28 साल अभी हो गए और न किसी को किसी प्रकार की परेशानी सामने आई। बच्चों को त्रिशूल चुभाने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के बाद बाबा के यहाँ हर साल मेला लगता है, जहाँ बाबा की इस करतूत पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं होता। ये जानते हुए भी कि त्रिशूल चुभाने का ये खेल कितना खतरनाक है और इससे बच्चों की जान भी जा सकती है, लोगों के साथ साथ प्रशासन भी तमाशबीन बना रहता है। प्रशांत पाठक, हरदोई, आज तक।